हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ दोपहर के लंच की रेसिपी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, मौसम की वजह से थोड़ी सी आज तबीयत ख़राब है, तो उसके लिए सॉरी, आवाज़ में थोड़ी सी चेंजेस है। तो आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी। यहाँ पर मैंने एक गोभी का फूल लिया है और गोभी को मैं ज़्यादातर काटती नहीं हूँ, इस तरह टुकड़े कर लेती हूँ, तोड़ लेती हूँ। थोड़े मोटे मोटे पीसीस में रखती हूँ गोभी के। गोभी के ज़्यादा छोटे टुकड़े कर लेते हैं तो घुट जाती है एकदम से, तो इस तरह से थोड़े बड़े पीस लेंगे ताकि जो हमारी सब्जी है एकदम खिली खिली बने। और इधर मैंने 2 से 3 आलू लिए हैं, इन्हें भी इस तरह से छील कर ले लेंगे, छिलका उतार लेंगे। और एक प्याज को मैंने छील लिया है और अब हम आलूओं की कटिंग कर लेंगे। तो आलूओं को मैंने इस तरह से काट लिया है, मैं ज़्यादातर इसी तरह से काटती हूँ, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं अपने मनचाहा शेप में। तो आलूओं को भी मैंने काट लिया है। तो सब्जियों को काटने के बाद 1 से 2-3 पानी धो लेंगे। एक प्याज ली है, इसे भी चॉपर में चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो चाकू की हेल्प से भी बारीक बारीक काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चॉपर का यूज़ किया है, एकदम फाइन पेस्ट सा नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। और थोड़ा सा अदरक डाल लेंगे हम इसके अंदर और 3 से 4 हरी मिर्च डाल लेंगे। आप चाहे तो इसमें लहसुन की कली भी डाल सकते हैं, 3 से 4 छील कर। तो अब इसे थोड़ा सा पीस लेंगे। तो प्याज को चॉप करने के बाद इधर मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस को ऑन कर दिया है और कढ़ाई के अंदर तेल डालेंगे। तो मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, आप जो इस्तेमाल करते हैं वो यूज करें। इधर मैंने आलू और गोभी दोनों को एक साथ से डाल दिया है कढ़ाई के अंदर, दोनों को फ्राई करेंगे। तो गैस का फ्लेम है जो कम कर देंगे और इसे ढककर रख देंगे। तब तक ये फ्राई होंगे तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। तो इधर मैंने साइड में थोड़ा सा आटा ले लिया है, थोड़ा सा नमक डाल लिया है और आटा भिगो के तैयार करके रख देंगे। तो थोड़ा ही आटा लगाया है मैंने 5-6 रोटियों का, तो आटा भी मेरा भिगो के तैयार हो गया है। और इधर मैं आलू और गोभी को एक बार बीच में चला लूँगी। अभी हमें आलू गोभी को पूरी तरह नहीं पकाना है, सिर्फ 50% के लगभग ही हमें इसे पकाना है। तो थोड़ा सा पलोथन लगा के मैंने आटे को ढककर रख दिया है। तो बीच में काम करते करते मैंने ना दोबारा से चेक कर लिया आलू गोभी को और थोड़ी सी देर और पकाएंगे इसे। ये देखिए, हल्की हल्की सी ये पकने लगी है, थोड़ी सी कोटिंग आ गई है इनके ऊपर। और 2 मिनट के करीब हम इसे पकने देंगे, तब तक हम टमाटर काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए और इस तरह रफली काट के लिया है। आप चाहे तो बारीक भी बना सकते हैं, थोड़े से मोटे मोटे पीसीस ही अच्छे लगते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी में। 2 मिर्च को मैंने इस तरह बीच से कट करके ले लिया है। और ये देखिए, आलू गोभी भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो आलू गोभी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, अब हम इसे सेम कढ़ाई में बनाएंगे। तो मैं उसी तेल में बनाने वाली हूँ, आपको लगे कम तेल है तो थोड़ा सा तेल और ऐड कर ले। जैसे ही तेल गर्म हो गया, इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दी है और हल्का सा जीरे को फ्राई होते ही इसमें मैंने कटी हुई प्याज डाल दी है। प्याज को थोड़ी देर भूनने के बाद हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं, तो ज़्यादा मसाले मैंने यूज नहीं किया। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई डाली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। गैस की फ्लेम को कम कर दिया है, थोड़ी देर इसे ढककर पका लिया है। और जब प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तब मैंने इसमें आलू गोभी ऐड कर दिए हैं। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्जियों को और ऊपर से मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। और फिर से अब हम इसे ढककर पकने देंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे बिल्कुल कम। तो धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे और 4 से 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगता इस सब्ज़ी को पकने में। और आप देख सकते हैं सब्ज़ियाँ जो तकरीबन पक चुकी है। तो अब इसमें मैंने टमाटर और मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट और ढककर पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम को है जो लो पर ही रहने देंगे और मैं थोड़ा सा रायता बना के तैयार करूँगी। तो फिर इसे मैंने दही ले लिया है, घर की दही है, मैं ज़्यादातर घर की दही का ही यूज़ करती हूँ। तो बूंदी का रायता बनाऊँगी, थोड़ा सा मैंने कटोरी में पानी ले लिया है, अब बूंदी को डाल देंगे पानी के अंदर। इस तरह से रायता बनाते हैं तो एकदम से सॉफ्ट बूंदी हो जाती है। और दही को भी मैंने विस्कर से अच्छे से फेंट लिया है। थोड़ा सा जीरा मैंने तवे पर भून कर ले लिया है, थोड़ा सा रायता मसाला डाल दिया है। और सब्जी को भी मैंने बीच में चेक कर लिया, सब्जी पक चुकी है, गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, कढ़ाई को मैंने दूसरी गैस पर रख दिया है। और इधर इस तरह से मैंने बूंदियों को निचोड़ कर रायते के अंदर डाल दिया है और एकदम गाढ़ा रायता बन के तैयार है। नमक हम जब ही डालेंगे जब हमें सर्व करना होगा। तो सिंपली ट्रायंगल वाले पराठे बनाऊँगी, आज मैंने चावल नहीं बनाए हैं। तो वैसे तो डेली ही चावल बनते हैं लेकिन मैंने आज नहीं बनाए हैं, चावलों के बिना खाना अधूरा सा लगता है। जिन्हें रोज़ चावल खाने की आदत होती है मैंने उनके लिए बोला है, मैंने सभी के लिए नहीं बोला है। तो मैंने ट्रायंगल के पराठे बना लिए, थोड़ा सा घी लगा के इन्हें बेल लिया है और एक तरफ से सिकने के बाद ऊपर से थोड़ा सा घी लगा लेंगे। तो दूसरी तरफ से पराठा सिक चुका है, दूसरी तरफ से भी घी लगा लेंगे। और ये लीजिए, हमारे ट्रायंगल के जो पराठे हैं बन के तैयार हैं। तो इसी तरह से आज मैंने दोपहर का लंच बना लिया है, तो अब गर्मा गर्म सर्व करेंगे।
फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर से दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है और इससे हम मोटिवेट होते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम मसालों में मैंने ये सब्ज़ी बनाई है। तो लीजिए, मैंने थाली तैयार कर ली है। एक कटोरी में मैंने सब्ज़ी डाल ली है, पराठे लगा लिए हैं और जो मैंने रायता बना के तैयार किया था वो भी लगा दिया है। लीजिए, आज की लंच की थाली तैयार है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।